वर्ल्ड वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में इंदौर में सिरपुर रामसर साइट पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश की सभी 75 वेटलैंड साइट के प्रतिनिधि, प्राधिकरणों के अधिकारी, साइंटिस्ट सहित 200 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे, जहां उन्होंने बैटरी कार से तालाब का निरीक्षण किया और यहां चल रही अलग अलग परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में ही निसर्ग समाहित है और लेकिन समय के साथ हम इसे भूलते जा रहे हैं। ये तालाब पहले पेयजल के उपयोग में आता था, वहीं समय के साथ परिवर्तन होता गया और आधुनिक जीवन में यहाँ कचरा बढ़ता गया, लेकिन अब तालाबों को बचाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इंदौर जो भी करता है अलग ही करता है। इंदौर में यदि नदियां साफ होती हैं तो इसका लाभ उज्जैन को भी मिलता है। यहाँ की कान्हा नदी का पानी शिप्रा नदी में आता है, इससे दोनों शहरों का भला होगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले पेड़ पौधे नदी तालाब को ईश्वर मानते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ साल पहले तक सिरपुर तालाब पर खड़े रहने की इच्छा नहीं होती थी, वहीं इसके आसपास अतिक्रमण था, लेकिन अब महापौर के नेतृत्व में यहां की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कुएं तालाब हमारे संस्कार का हिस्सा हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए। कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात के समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है और हम उसको एक ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं जिसके आधार पर जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है, क्या ये 300 साल पुराना तालाब और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था, लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली है और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइट पहले से था, सिरपुर भी बना और आपने रामसर सिटी की बात कही और हम तो ये सुन के आनंद आया। मैं जब इसका थोड़ा सा जानकारी ला रहा था तो मुझे जानकारी आई कि सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था, अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। आप जरा तालियां बजाकर इस विदेशी महिला को भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को समाने वाले, सजाने वाले शहर के बहुत ही शानदार मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें आप। इसलिए कि मैं सिरपुर तालाब 2.5 साल पहले आया था और वहां पर खड़े रहने जैसी स्थिति भी नहीं थी, इतना बदबू मार रहा था, इंक्रोचमेंट था, जलकुंभी थी और पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा था कि ये तालाब गया। पर महापौर जी, केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से आपने इस सिरपुर तालाब को जो दर्शनीय के साथ साथ यहाँ पर लोगों के आने जाने की जो सुविधा की है, एक पर्यटन का स्थल बनाया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके मेयर साहब का तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए, तालाब कुएं ये हमारे संस्कार से जुड़े हुए, हमारे यहाँ आज भी पूजा होती है तो कुआं पूजने जाते हैं, तालाब पूजने जाते हैं।